हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको यूनिबेट ब्रांड के वीटा कैरोटीन कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोजेस सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, त्वचा संबंधी समस्याओं से परेशान है, त्वचा को, आंखों को हेल्थी स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं यूनिबेट ब्रांड के बीटा कैरोटीन कैप्सूल के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गाइस 30 वेजिटेरियन कैप्सूल प्रेजेंट है। 100% नेचुरल है गाइस, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ स्किन और आई को भी हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इंग्रीडियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर है एक्टिव इंग्रीडियंट के रूप में स्पिरुलिना पाउडर, पिपरनिग्रम एक्सट्रैक्ट और भी गाइस विटामिन ए भी है, और भी बहुत सारे इंग्रीडियंट हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। डोज की बात करें तो डेली गाइस अपन कोई कैप्सूल लेना है, कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवरडोसेस लें। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे गाइस आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी है। डोज गाइस आपको डेली एक कैप्सूल लेना है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही आपको ओवरडोजेस लेना है। याद रखें गाइस, अगर आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं या फिर आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, तब भी आपको कोई भी कंडीशन में कोई भी दवाई या टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट के बिना नहीं करना, ना ही आपको ओवरडोजेस लेना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।